हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो बिहार प्राइमरी रिजल्ट के वालों का फर्स्ट अलॉटमेंट आज आने वाला है, यानी कि आने वाला था, 1 बजे के आसपास आने वाला था या फिर 7 बजे आने वाली थी। लेकिन अब न्यूज निकल के ये बहुत सारी आ रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट अलॉटमेंट आज नहीं आएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट आज कैंसिल हो चुका है। फिलहाल इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन क्या ये आज आ सकती है या फिर आज नहीं आ सकती है, आज नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी या फिर आज आने के कितने परसेंट चांसेस है, तो इस वीडियो में इसी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे एंड हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया हुआ है, लेकिन हम लोगों का जो अंदाज़ा है ये बिल्कुल सटीक तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% ये आपको बोल सकते हैं कि आज आपका अलॉटमेंट नहीं आने वाला है। चांसेस आपका यही है कि नहीं आने वाला, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं बता रहे 100% आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा, लेकिन 90% चांस ये है कि आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, ये रीज़न आपका अगर निकल के आती है, और सर अगर आज नहीं आएगा तो कब आएगा, चलिए इसके बारे में आप डिटेल से चर्चा करेंगे। बस 2 से 3 मिनट की वीडियो बनेगी, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है आपका अलॉटमेंट आज नहीं आने का सबसे पहला रीज़न ये है कि दुर्गा पूजा चल रही है। ठीक है, दुर्गा पूजा चल रही है तो आपको सिंपल सी बात समझिए कि कॉलेज में छुट्टियाँ चल रही है। जब कॉलेज में छुट्टियाँ चल रही है, आपका आज अलॉटमेंट आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कल से परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगी ना। लेकिन अब यहाँ पे ये पॉइंट आती है कि अगर आपका अलॉटमेंट आ जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सारा कुछ बंद चल रही है दुर्गा पूजा की, क्योंकि यह तो पूरे भारत का फेस्टिवल है। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो सकती है कि दुर्गा पूजा के कारण आपका अलॉटमेंट पोस्टपोन्ड हो सकती है आज। ठीक है, यानी कि आज नहीं आने के चांसेस जो है ये हो गया। सेकेंड ये हो गया कि जब पॉलिटेक्निक वालों का फर्स्ट अलॉटमेंट आया था तो उसका भी डेट पोस्टपोन्ड हो गया था, क्योंकि BCEC बोर्ड पर अभी ने माथा पे नहीं बोलता कि बहुत सारा टेंशन है, सबका एडमिशन अभी एक ही साथ ले रहा है। ठीक है, आप UGAC का देख लीजिए, आप पॉलिटेक्निक का देख लीजिए, BCEC का, DCEC मैं जितना देख सकते हैं, ITI वालों को तो शायद क्लियर हो गया। ठीक है, तो सारा कुछ अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि सबको एडजस्टमेंट करने में अभी परसों हाल फिलहाल में ही क्या हुआ है कि आपको पता ही होगा कि पॉलिटेक्निक वालों को सेकंड अलॉटमेंट जारी कर दिया गया था, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया कि अब दोबारा जारी होगी ये नहीं होगी। तो इसके रिगार्डिंग अब सारा कुछ आप लोग ये समझ में आ रही है, तो आपको इतना सा अंदाजा लग गया होगा कि आज रिजल्ट आने की बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर रिजल्ट आती है तो फिर 1 बजे तो आने की बहुत ही कम चांसेस है। आपकी कितने बजे आएगी? 7 बजे आ सकती है। ठीक है, 7 बजे रिजल्ट आपकी आ सकती है, लेकिन 10% 15% चांसेस, लेकिन हम श्योर नहीं बोल सकते क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अलॉटमेंट आती है तो हम आपको लाइव आके बताएंगे, लेकिन चांस बहुत कम है आ जाने का। ठीक है, तो न्यू डेट इसकी क्या हो सकती है? तो न्यू डेट हम आपको ये बता दें कि न्यू डेट जो है बिहार पैरामेडिकल का, या फिर बोल सकते हैं पैरामेडिकल मैट्रिक वालों का जो न्यू डेट है, आपका अभी फिलहाल 2 तारीख तक नहीं आने की चांसेस है। यानी कि आज 30 तारीख हो गया, कल या परसों, यानी कि आपका 2-3 दिन अभी आने का चांसेस नहीं है। आपका 4 तारीख को या फिर 3 तारीख को एक न्यू नोटिस आएगी। ठीक है, फिर 3-4 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका 5 से 6 दिन लेट कर दे, क्योंकि BCEC वालों का अभी तक नहीं आया हुआ है अलॉटमेंट, जबकि आप लोगों से 1 मंथ पहले उन लोगों का आ चुका था। ठीक है, 1 मंथ पहले आ चुका था रैंक कार्ड, लेकिन फिर भी सबका अलॉटमेंट आ चुका है, काउंसिलिंग डेट अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक, काउंसिलिंग डेट नहीं आया हुआ, आप समझ सकते हैं, उन आप लोगों से पहले एग्जाम भी हुआ है उन लोगों का, तो ऐसा भी हो सकता है कि BCEC वालों का पहले आ जाए काउंसिलिंग डेट, उन सबका काउंसिलिंग हो जाए 5 दिन तक, उसके बाद आए, यानी कि चांसेस आपका यह भी हो सकती है कि आपकी 8 तारीख तक आएगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आगे नोटिस आती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको साथ में हमेशा बताते रहेंगे। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेने की, सर हमको कैसे पता चलेगा ये वो, बस आपको सब्सक्राइब करके चैनल को रखनी है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। जैसे अभी इन्फॉर्मेशन आई कि भाई रिजल्ट आने की बहुत कम चांसेस है आज, क्योंकि ये सारा कुछ देखने के बाद, ओवरऑल ये बात समझने के बाद हमको समझ में आती है रियलिटी वो आज सच में रिजल्ट नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन आ सकती है कोई, ऐसे देखिए हो सकता है कि आपका 7 बजे या 5 बजे तक कोई नोटिस निकल के आ जाए, तो नोटिस जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे, बस सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन ये भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट किस दिन आएगा ये नोटिस, तो शाम 7 बजे 6 बजे या 5 बजे ये कभी भी आ सकती है, या फिर 8 बजे रात में भी आ सकती है। तो ये सब टेंशन आप मत पालिए, बस सिंपल आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, जैसे ही कोई नोटिस आती है हम आपको तुरंत वीडियो बना के डालेंगे कि आपका ये डेट हो गया, इस डेट को आने वाला, या फिर अलॉटमेंट डायरेक्ट आ जाती है आज, कोई बड़ी बात नहीं आ भी सकती है, तो हम आपको ये भी
भी बता देंगे कि आज अलॉटमेंट इतने बजे आ गई है, आप ऐसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कैसे कैसे करनी है, अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या करनी है, तो सारे रिगार्डिंग हम सारी बातें आपको समझा देंगे। जैसे अलॉटमेंट आती है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसके रिगार्डिंग सारी बातें हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर कोई नोटिस आती है, कोई न्यू डेट आती है, कब होगा कैसे होगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। ओके चलिए, आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है हम आपको पहुँचाने का कोशिश करते हैं आपके तक। ओके तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो और आगे का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि देखिए एडमिशन में बहुत लफड़ा हो रहा है, क्योंकि अलॉटमेंट आ जाता है, अलॉटमेंट आने के बाद फिर पोस्टपोन हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाती है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा फिर एडमिशन करना चले जाइएगा, या फिर आपका अलॉटमेंट का एग्जैक्ट डेट पता नहीं चलेगी, हो सकता है बिना नोटिस कहीं अलॉटमेंट आ जाए तो किस दिन आएगी आपको तो कैसे एग्जैक्ट पता रहेगी, आप हमेशा तो वहाँ पर जाकर वेबसाइट पर क्लिक तो करिएगा ना, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो शाम को आपको 8 बजे के आसपास एग्जैक्ट पता चल जाएगी कि क्या होने वाली है, वो हम वीडियो बना के डाल ही देंगे, या फिर डायरेक्ट कुछ, या हो सकता है सर नोटिस भी नहीं आए, अलॉटमेंट भी नहीं आए, तो डायरेक्ट नोटिस 5 दिन के बाद है, या फिर डायरेक्ट अलॉटमेंट 5 दिन के बाद है, तो क्या होने वाला है एडजस्ट कुछ नहीं पता, क्योंकि बीसीसी बोर्ड अभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके फायदे तक हो, क्योंकि आपने एग्जाम दिया, अच्छा रैंक आया है, काउंसलिंग करवा लिया है, अब एडमिशन अगर नहीं हो पाती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके ये बात तो सब सब्सक्राइब कर लेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए बाय बाय, टाई टाई, धन्यवाद।